राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। कल चंद्रमा और बुध ग्रह की राशि मिथुन में संचार करने वाली है। साथ ही कल सावन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और हर्षण योग, लक्ष्मी नारायण योग और मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कल के दिन का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कल बन रहे हैं शुभ योग और इनका लाभ पांच राशियों को भरपूर मिलेगा। इन राशियों के भाग्य का पूरा सितारा चमकने लगेगा और पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ में भी वृद्धि होगी, सुख संपत्ति के नए रास्ते खुलेंगे। इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होगी, तो हम कुछ ज्योतिष उपाय भी आपको बताएंगे और सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जिससे इन पांच राशियों के सभी कार्य पूरे होंगे और घर के सभी सदस्यों की उन्नति भी होगी। आइए जानते हैं किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है कल का दिन। जानने से पहले रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कुछ लोगों में शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें, हर हर महादेव भी लिखें, क्योंकि सावन का महीना है, महादेव की प्रसन्नता तो सबको मिलनी चाहिए। तो एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है कल का दिन। वृषभ राशि वालों को कल पुराने झगड़ों व परेशानियों से यदि कोई है तो मुक्ति मिलेगी तथा धर्म अध्यात्म की तरफ इनकी बहुत रुचि बढ़ेगी। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं वृषभ राशि के लोग, तो आपको इससे भी राहत मिलेगी। नौकरी पेशा जातक कल करियर के क्षेत्र में प्रगति हासिल करेंगे और अपने कलीग का, अपने सहयोगियों का साथ भी खूब प्राप्त करेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे। वहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी बात करें तो व्यापार में अच्छा मुनाफा ये बनाएंगे और बिजनेस के विस्तार की योजना भी बनाएंगे। परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम सद्भाव बना रहेगा और किसी शुभ आयोजन के लेकर आप घर में चर्चा भी कर सकते हैं, जिस पर आप आगे वह काम करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। जिन लोगों का कुछ थोड़ा मन मुटाव होगा उनका भी सुलझ जाएगा और प्रेम के रिश्ते मधुर होंगे, एक दूसरे को समझते हुए अब आप काम भी करेंगे। आपके लिए उपाय है जिससे आपका जीवन और बढ़िया अच्छे से चले। धन संबंधित समस्या यदि आपको लगता है कुछ आ रही है अड़चन कहीं भी व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में, तो आपको पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर, एक पीपल का पत्ता ले आएँ, उसको गंगा जल से धुलकर साफ कर लें और सिंदूर से, घी में सिंदूर सान लें और उस पर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा सुख संपदा देने वाला मंत्र है। फिर सुनिए ध्यान से, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र को आप लिख लें और इसको थोड़ी देर अपने पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु के पास रख दें, या आपके जो इष्ट देव हैं उनके पास रख दें। फिर दूसरे दिन सुबह उठाकर आप इसे अपने पर्स में रख लें। यह माँ लक्ष्मी के स्वरूप अंकित या ये चांदी का सिक्का अपने पूजा घर में रख लें। अगर ये पीपल का पत्ता ना ला सकें तो चांदी का सिक्का जिस पर माँ लक्ष्मी बनी हो उसको पूजा घर में रख लें, दूसरे दिन उठाकर पर्स में रख लें। आपका पर्स हमेशा पैसों से खचाखच भरा रहेगा, आप खर्च करेंगे उससे दूना धन उसमें आने की कोशिश करेगा, जिससे आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दूसरी लकी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत शुभ फल देने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं,
और संतान पक्ष से चली आ रही अगर कुछ परेशानी है तो वह दूर होगी। भगवान विष्णु की कृपा से कल आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी भी खूब कृपा करेंगी और अपने कामों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। नौकरी पेशा जातक लंबे समय से नौकरी बदलने का जो विचार बना रहे हैं उनका यह सपना कल पूरा हो सकता है। मन चाही नौकरी इनको दूसरी मिल सकती है और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको कल अच्छी बिक्री होगी। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी तथा जीवन साथी के साथ और आप अपने बच्चों के साथ अच्छा कोई ऐसा डिस्कशन करेंगे जिससे भविष्य में सबका भला होगा। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। एक उपाय, यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार में मनचाही उन्नति नहीं हो रही है बिजनेस में या फिर नौकरी पे कोई समस्या आ रही है तो पूजा घर में आप 5 हल्दी साबुत ले आएँ और उसको कलाबा में बांध लें, 5 या 11 हल्दी उनकी एक माला सी बना लें और अपने पूजा घर में इसको रखें भगवान के सामने और कुछ दिन इसे रखा रहने दें। फिर अगले गुरुवार और शुक्रवार को आप किसी भी एक दिन उठाकर इसे बहते जल में बहा दें जिससे लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी और गुरुवार के दिन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाम के पीले रंग के लड्डू, बेसन के लड्डू या कोई और पीली मिठाई का भोग लगाएं और बांट दें लोगों में। अगली लकी राशि है तुला राशि। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें सनातनी चैनल को। तुला राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है कल का दिन। तुला राशि वालों के कल लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। अचानक से अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो सकती है जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस की अच्छी समझ विकसित होगी जो लोग व्यापार में हैं और अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी। वहीं जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनको तरक्की के सुनहरे अवसर सामने आएंगे और उनका अप्रेजल सैलरी इंक्रीमेंट के रूप में लग सकता है। कल आप सभी का भाग्य साथ देगा, धन कमाने के साथ साथ आप बचत भी कर सकेंगे। तुला राशि के जातक जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या घूमने या शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं कल उनकी यह इच्छा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से पूरी हो सकती है। परिवार में आप लोगों की सुख शांति बनी रहेगी, सभी आपका सम्मान करेंगे, सेहत फर्स्ट क्लास रहेगी, अच्छी रहेगी। जीवन साथी को आप कुछ उपहार दे सकते हैं जिससे जीवन साथी आपका बहुत प्रसन्न होगा। और शाम के समय आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने से परिवार के साथ आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आपके लिए उपाय, यदि आपको लगता है कि कहीं कोई रोग या थोड़ी परेशानी या बाधा है नौकरी या व्यापार में तो इससे मुक्ति के लिए आप सत्यनारायण भगवान और गुरु बृहस्पति की कथा सुनें और पीले रंग के कपड़े पहनें तथा नमक के रहित एक बार भोजन करें, सब कुछ अच्छा होगा। अगली लकी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बड़ा सुखद रहने वाला है दिन तथा कल खुशी और सम्मान से अच्छी बढ़ोतरी होगी और किसी पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में उस पैसे को निवेश करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा दिन है। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सभी आपके काम की तारीफ करेंगे, इससे आप मन लगाकर कार्य भी करेंगे। वहीं व्यापारियों को कल भाग्य का साथ मिलने से मोटा मुनाफा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर आपको अब टक्कर नहीं दे पाएंगे, आप उनको परास्त कर देंगे। परिवार में विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं तथा आप अपने जीवन साथी के साथ कई बार घूमने का प्लान बना सकते हैं जिससे आपको नई दिशा की तरफ ज़िंदगी ले जाने का काम करेगी। शाम के समय दोस्तों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसका फ़ायदा आपको
आने वाले भविष्य में मिलेगा और बहुत अच्छा दिन रहेगा। उपाय सुन लीजिए, यदि आपको लगता कि घर में और सुख शांति समृद्धि चाहिए तो फिर आपको गुरुवार को केसर, पीले चंदन या हल्दी का दान करना होगा। किसी मंदिर में जाके पुजारी को ही दान कर दें, अच्छा रहेगा। और साथ ही हल्दी या केसर का आप तिलक लगाना शुरू कर दें प्रत्येक गुरुवार को। इससे आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी का साथ मिलेगा। अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। इन पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बहुत कृपा रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में लिखें, जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनको ऑफिस में अपने बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। और आप जो मन लगाकर काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत का आपको अब कल पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सर्विस का इंक्रीमेंट मिल सकता है अप्रेजल के रूप में। और जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार क्षेत्र से जिनका संबंध है, उनको व्यापार में अच्छी मुनाफा कमाने का कल का समय है तथा आप अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए आप अपना अच्छा कुछ निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तथा परिवार में भी सब कुछ अच्छा रहेगा, आप अपने परिवार के साथ कहीं किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में घूम कर आएँ, वहाँ प्रसाद चढ़ाएँ, पीले रंग का कोई मिठाई चढ़ाएँ या बूंदी का लड्डू चढ़ाएँ या बेसन का लड्डू चढ़ाएँ और उसको सभी में प्रसाद रूप में वहाँ बाँट दें तथा पुजारी को पीले रंग का आप कोई वस्त्र एक दान में दे दें। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव।